नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पर। मैं पूनम आपके साथ। लोकसभा चुनाव में भाजपा का खाता खुल गया है। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से सोमवार को बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए। दरअसल यहां से कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी का पर्चा रद्द हो गया था। उनके पर्चे में गवाहों के नाम और हस्ताक्षर में गड़बड़ी थी। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस समेत 10 प्रत्याशी मैदान में थे। रविवार को 7 निर्दलीय कैंडिडेट ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। बीएसपी कैंडिडेट प्यारे लाल भारती ही बचे थे, जिन्होंने सोमवार 22 अप्रैल को पर्चा वापस ले लिया। इस तरह मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने कहा, हमारी लीगल टीम सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। कानूनी टीम इस बात पर विचार कर रही है कि पहले हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाए या फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई जाए। मुकेश निर्विरोध निर्वाचित होने वाले बीजेपी के पहले सांसद बने हैं। वहीं गुजरात के चुनावी इतिहास में भी यह पहला मौका है जब कोई सांसद बिना चुनाव लड़े ही जीत गया हो। बीजेपी के पूर्व डिप्टी मेयर दिनेश जोदानी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी के पर्चे में प्रस्तावकों के फर्जी हस्ताक्षर करवाए गए हैं। डीईओ सौरभ पारदी ने 21 अप्रैल को इस मामले में स्पष्टीकरण मांगते हुए कुंभानी को रविवार सुबह 11 बजे तक का समय दिया था। नामांकन पत्र रद्द करने को लेकर रविवार को कलेक्टर और चुनाव अधिकारी के समक्ष सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान फॉर्म पर हस्ताक्षर करने वाले चारों प्रस्तावक भी नदारद थे। इसके चलते आखिरकार चुनाव अधिकारी ने नीलेश कुंभानी का फॉर्म रद्द कर दिया। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने 22 अप्रैल को मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की। उन्होंने कहा, एक बार होता है तो तुक्का होता है, दूसरी बार तो संयोग कहा जाता है, तीसरी बार हो तो दुश्मन का एक्शन कहा जाता है। सूरत में ये बार बार हुआ। कांग्रेस कैंडिडेट के चार प्रस्तावकों ने एक साथ खड़े होकर कहा कि फॉर्म में हमारे साइन नहीं है। ये चुनाव के एक दिन पहले ये कहा गया। चुनाव से पहले कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे थे। सूरत से जो बाकी कैंडिडेट्स ने भी नाम वापस ले लिया, ऐसा अजूबा हमने नहीं देखा। हमने चुनाव आयोग से कहा कि नॉन प्लेइंग फील्ड बना दिया गया है, समतल जमीन नहीं रखी गई। हमने सूरत में चुनाव स्थगित करने की मांग की है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।